क्या आप भी जानना चाहते हैं जो आपका ईमो आईटी है वो कोई दूसरा तो नहीं लॉगिन करके रखा है, कोई दूसरा अपने मोबाइल में तो नहीं चला रहा है? ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। रोज की तरह रिवेस्ट एमएचएल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो पसंद आ जाती है वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोस्तों देर किस बात की, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हम इमो के ऐप पर हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका इमो खुलता है, कुछ इस तरह से क्लिक करके खोल लीजिएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, अपने फ़ोटो पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इमो अकाउंट सेटिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद कुछ इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज डिवाइस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से खुल जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारे आपको दिख रहा है किस किस मोबाइल में लॉगिन है, ठीक है। अभी यहाँ करंट में जो आपका मोबाइल है वो यहाँ ग्रीन से लिखा होगा ऑनलाइन, और यहाँ पर करंट दिखाएगा जिस पर आप लॉगिन कर रखे हैं। इससे पहले जो भी आप मोबाइल आप चला रहे होंगे या किसी में लॉगिन किए होंगे तो यहाँ पर डिटेल दिखा रखी होगी। अगर दोस्तों ये डिटेल आपकी नहीं है, जैसे मान लीजिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये Redmi 3S का है, ये अगर इसमें अगर आपका मोबाइल नहीं है, लगता है आपको कि दूसरे किसी मोबाइल में लॉगिन है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे आप डिलीट करेंगे तो उस मोबाइल से आपका इमो डिलीट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपका एक इमो है वो कोई दूसरा तो नहीं चला रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।